नमस्कार साथियों, प्रेरणा पोर्टल से संबंधित एक नई अपडेट आई है जिस पर सभी शिक्षकों को कार्य करना है। अब क्या है वह अपडेट और उस पर कैसे कार्य करना है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल पर टीचर लॉगिन ऑप्शन की मदद से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट पेज पर, जहाँ पर सभी बच्चों की डिटेल्स दे रखी है, उसी पेज को लेफ्ट में स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे लास्ट में एक नया कॉलम ऐड किया गया है, मार्क एज स्टूडेंट फॉर समर्थ। अब इस कॉलम पर अगर आपके विद्यालय में दिव्यांग या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उपस्थित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में आपको कार्य करना होगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर्थ ऐप द्वारा विद्यालयों में जो भी बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या CWSN के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं, उनकी जानकारी आपको समर्थ ऐप डाउनलोड करने और विद्यालय के नोडल टीचर द्वारा लॉगिन करने के बाद समर्थ ऐप के डैशबोर्ड पर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में दिख जाएगी। जैसे इस विद्यालय में 3 बच्चे दिव्यांग या CWSN श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। अब आपको अपने विद्यालय में अगर कोई बच्चा समर्थ पोर्टल द्वारा चिन्हित किया गया है तो उनकी जानकारी, या कोई भी बच्चा समर्थ पोर्टल द्वारा चिन्हित नहीं भी किया गया है तो उसकी भी जानकारी आपको प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जैसे यहाँ पर यश लड़का समर्थ पोर्टल द्वारा CWSN श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब इसका विवरण प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर समर्थ द्वारा चिन्हित बच्चे के सामने मार्क एज CWSN फॉर समर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहला ऑप्शन आएगा, क्या छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल द्वारा दिव्यांग के लिए चिन्हित है? अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगला प्रश्न, यदि छात्र छात्रा समर्थ पोर्टल द्वारा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार, यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 20 दिव्यांगता के प्रकार लिखे मिल जाएंगे। अब बच्चा किस प्रकार में आता है वह जानने के लिए आपको समर्थ ऐप को ओपन करना होगा। यहाँ पर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन में बच्चे के नाम पर क्लिक करने पर आपको सारी डिटेल्स लिखी मिल जाएगी, जिसमें डिसेबिलिटी वाले कॉलम में प्रकार लिखा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर डिसेबिलिटी वाक भाषा दिव्यांगता है, और अगर दिव्यांगता का कोई सर्टिफिकेट भी इशू किया गया है तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर लिखी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है। अब वापस प्रेरणा पोर्टल पर आप इस ड्रॉपडाउन से दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर उक्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र विद्यालय में संरक्षित किया गया है तो उसकी जानकारी यस या नो में दे देंगे। अब सुरक्षित करें बटन को प्रेस करेंगे और ओके पर क्लिक करते ही आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। अब प्रेरणा पोर्टल पर उस बच्चे के सामने ऑलरेडी मार्क्ड लिखा आ जाएगा, और स्टूडेंट हैंडीकैप अकॉर्डिंग टू समर्थ में यस, टाइप में दिव्यांगता का प्रकार, और प्रमाण पत्र की स्थिति भी लिखी आ जाएगी। अब ऐसे ही आप बाकी बच्चों को समर्थ पोर्टल के अनुसार मार्क कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।